आज आप देख रहे हैं हमारा ईस्टर गुडी स्पेशल और अब बारी है एक और प्योर वेजिटेरियन रेसिपी की। जी हाँ, जरूरी नहीं है कि ईस्टर पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जो नॉन वेजिटेरियन हो, वेजिटेरियन भी बन सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वेजिटेरियन है, खाना पसंद करते हैं। तो अब ये जो रेसिपी है ये कौन सी है, ये एक बनाएंगे हम रिसोत्तो। और रिसोत्तो जो है उसमें काफ़ी सारे ग्रीन्स हैं, देखते हैं क्या क्या करना है। इसमें मैं ज़रा ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो ये ऑलिव ऑयल ये ले लिया। और रिसोत्तो के लिए जो हमें चावल चाहिए वो स्पेशल चावल आर्बोरियो, ये देखिए क्या करना है अभी इसका देखते हैं। सबसे पहले ज़रा प्याज के साथ में इसे बनाएंगे, हल्का सा जब प्याज स्वेट हो जाए तो फिर इसके अंदर डालेंगे हम ये आर्बोरियो राइस। ये ले लिया, इसको ये देखिए सौते कर लिया। अब इसके अंदर हम डालते हैं ये है मेरे पास वेजिटेबल स्टॉक, और थोड़ा सा वेजिटेबल स्टॉक डालकर इसको शुरू कर देते हैं इसका पकना। और मैं एक काम करता हूँ कि जब तक ये पकना शुरू होते हैं मैं इस पर ढक्कन लगा देता हूँ, और कुछ जो सब्जियाँ इसमें डालनी हैं उसकी तैयारी कर लेते हैं। और ये जो तैयारी है इसमें मशरूम, और ये मशरूम मेरे पास हैं, मशरूम ले लेते हैं। तो ये ले लिए मशरूम और इसे काट लिया, और ये जो मशरूम है इसको डाल देते हैं हम इसके अंदर। और क्या क्या चाहिए, और हमें चाहिए ब्रोकली। ये मेरे पास ब्रोकली, काफ़ी फ्लेवर होता है, काफ़ी टेस्ट होता है इसके अंदर। तो ये ब्रोकली की स्टेम्स, और उसके साथ साथ ये जुकीनी, और अब एस्पैरगस। इसमें ये जो टिप्स हैं ये रख लेते हैं, और ये ऊपर का जो हिस्सा है ये इस तरह से, और बाकी जो है ये छोटे पीसेस में। इसमें हमने मशरूम डाले, उसके साथ साथ येलो जो जुकीनी है वो डाली, और उसके साथ साथ अब ये आ गए एस्पैरगस। और जैसे जैसे पकता जाए आप इसमें ये स्टॉक डालते जाएं, वेजिटेबल स्टॉक या पानी। और अब बंद कर देते हैं, इसे पकने देते हैं। एक वाइन डालेंगे इसके अंदर हम, वाइट वाइन। अब इसके अंदर नमक स्वाद अनुसार, क्रश्ड पेपर, आप चाहें तो पेपर पाउडर भी डाल सकते हैं लेकिन मुझे अच्छा लगता है क्रश्ड पेपर, तो इसलिए क्रश्ड पेपर। और ये कर दिया मिक्स। अभी आपको लग रहा है कि इसमें पानी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे ये पकेगा तो आप देखेंगे इसका जो पानी है वो कम होगा और चावल सारा सोख लेंगे। अब इसके अंदर हम डालते हैं ये ब्रोकली, और उसके साथ साथ ये एस्पैरगस। तो ये चीज़, पार्मेसान चीज़ इसके अंदर डालेंगे। जब ये पूरी तरह से पक जाए, गाढ़ा हो जाए, ये मॉइस्चर आपको ऐसे नहीं दिख रहा हो, चावल भी गल जाए, इसका मतलब है रिसोत्तो तैयार। गर्मा गर्म सर्व करना है, और सर्व करते समय ऊपर से थोड़ा सा पार्मेसन चीज़ बिल्कुल डालिए, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। अब नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स, उसके बाद इसका रीकैप। वेजिटेबल रिसोत्तो के लिए हमें चाहिए एक कप आर्बोरियो चावल, 10 मशरूम कटे हुए, एक पीली जुकीनी क्यूब्स में कटी हुई, एक चौथाई ब्रोकली के टुकड़े, 8 एस्पैरगस की टिप्स कटी हुई, 4 छोटे चम्मच ऑलिव ऑयल, एक प्याज बारीक कटी हुई, 3/4 कप वेजिटेबल स्टॉक, 4 बड़े चम्मच व्हाइट वाइन नमक स्वाद अनुसार, 8 काली मिर्च कुटी हुई, और 4 बड़े चम्मच पार्मेसान चीज ग्रेट किया हुआ। इसे बनाने के लिए एक पैन में ऑलिव ऑयल गरम करके इसमें प्याज डालकर भून लें। अब इसमें चावल डालें और इसे करीब 2 मिनट तक भूनें। अब इसमें आधा वेजिटेबल स्टॉक डालकर ढककर 3 मिनट तक पकाएं। मशरूम, जुकीनी, बचा हुआ वेजिटेबल स्टॉक, व्हाइट वाइन, नमक और कुटी हुई काली मिर्च डालकर इसे पकने के लिए रख दें। चावल जब गल जाएं तब इसके अंदर ब्रोकली, एस्पैरगस और 2 बड़े चम्मच पार्मेसान चीज डालकर इसे 3-4 मिनट तक और पका लें, और इसे बचे हुए पार्मेसान चीज से सजाकर गर्मा गर्म सर्व करें।